हार जीत तो लगी रहती है, मगर हार के बावजूद आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। ये लाइन आपने असल जिंदगी में कई बार सुनी होगी, मगर महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हार इतनी हावी हो गई कि इन लोगों ने अपनी जान ही ले ली। दरअसल यहां से पंकजा मुंडे बीजेपी की टिकट पर लड़ी थी। बीड़ में बीजेपी का 28 साल का शासन 4 जून को समाप्त हो गया। ऐसा तब हुआ जब एनसीपी के बजरंग सोनवाने से पंकजा मुंडे हार गईं। पंकजा के एक और समर्थक ने अपनी जान ले ली है। बता दें कि परिणाम घोषित होने से अब तक 4 समर्थकों ने अपनी जान ले ली है। मृतक परिवार से मिलकर पंकजा भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से अपील की है कि ऐसा कदम ना उठाएं। इसके बावजूद उनके समर्थक अपनी जान लेने से नहीं रुक रहे। पंकजा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके अपने समर्थकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिन युवाओं ने अपनी जान ली उससे मैं दुखी हूं। जिसको मुझ पर प्यार और विश्वास नहीं है वो अपनी जान जोखिम में डालेगा। मैं लड़ रही हूँ और धैर्य रख रही हूँ। आप सभी सकारात्मक रहें और धैर्य रखें। मैंने हार स्वीकार कर ली है, आपको भी इसे स्वीकार करना होगा। अंधेरी रात के बाद ही रोशनी आती है। आप सभी मेरे जीवन की रोशनी हैं। प्लीज सकारात्मक रहें। इस चुनाव में हार स्वीकार करते हुए पंकजा मुंडे ने कहा था कि इस बार चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण बहुत था। मेरे पिता के ही समय से ही हमने जाति समुदाय या धर्म से परे जाकर राजनीति की। बता दें कि 1996 से 2019 तक बीड़ पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। पहले यहां से उनके पिता गोपीनाथ मुंडे चुनाव लड़ते रहे। इस बार बीजेपी ने 2 बार की मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया। बीजेपी को ये भरोसा था कि पंकजा मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच एनसीपी एसपी की चुनौतियों का सामना मजबूती से पार्टी का पक्ष रख पाएंगी। इस वजह से मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में वोटों का गणित गड़बड़ा गया। हालांकि फाइट बहुत क्लोज रही। पंकजा को 6,77,000 वोट मिले, तो वहीं उनके सामने बजरंग सोनवाने को 6,83,000 वोट मिले।